रिएक्शन में आज देखेंगे आजूजो, क्रिसमस साइल, ईएफटी, रेनियर, राम एंड ब्रैकेट में यू जीनी। ये वीडियो का टाइटल है और ये वीडियो का सारा क्रेडिट आजूजो मार्क इनके चैनल का ही रहेगा। मैं आपका दोस्त संजय और मैं कविता। नमस्कार, स्वीकार करें। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये रहा लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो प्लीज़ इंस्टा पे आ जाइए। और इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिसमस आने वाला है तो आप सबको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक बहुत जबरदस्त है और सारे का कमाल आवाज है। आजूजो, रेनियर, राम, नमक्रम दे, cameraman. हैप्पी हॉलीडेज गाइस, आप सबको भी
तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत ही कमाल का सॉन्ग था और उम्मीद नहीं की थी उससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सारे बॉयज़ ने इतने कमाल के टैलेंटेड, और क्या आवाज़ है यार सबकी। जब वो रैप चल रहा था ना, बस झूमने का मन कर रहा था, और सोने पे सुहागा क्या कमाल का म्यूज़िक दिया है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि झूमने का मन कर रहा था। और क्रिसमस भी बहुत पास आ रहा है, तो अब इतने सारे क्रिसमस पे सॉन्ग आ रहे, बहुत मज़ा आ रहा है रिएक्शन देने में भी। और इतना कमाल के टैलेंटेड बॉयज़ है मेघालयस के, हमेशा गारो सॉन्ग्स मेरे फेवरेट रहते हैं, और भले पूरे लिरिक्स ना समझ में आए पर म्यूज़िक क्वालिटी और इतना कमाल का ड्रोन का यूज़ रहा है। और अभी थोड़ा वो जो पीछे घास है वो ब्राउन ब्राउन कलर की लगती है, पर इतना कमाल का व्यू था वहाँ का, और उस पे बॉयज़ का टैलेंट देख के दिल खुश हो गया। और दोनों ने, मतलब दोनों ने सेम कपड़े पहने थे, और दोनों ने सेम से मतलब ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। और जब वो सारा क्रू दिखाया वहाँ पे, जो मैम थे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, आई थिंक उसको उनको भी सॉन्ग में लेना चाहिए था, तो और ज़्यादा ग्लैमर आ जाता। पर दिखाया पर थोड़ा दिखाया लॉलीपॉप खाते हुए, कविता को लॉलीपॉप की याद आ गई उस वक्त। वैसे वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते, पर देख के मुझे नहीं पता था वो लॉलीपॉप है पर उन्होंने पहचान लिया लॉलीपॉप है। पर बहरहाल बात करेंगे सॉन्ग पर, और कविता से पूछते कि उनको भी कैसा लगा, तो बोलो। सॉन्ग था वो, उसमें जो बॉयज थे वो ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और छोटे भी नहीं थे, मतलब मीडियम एज के, वैसे 25 के अंडर ही होंगे सारे के सारे। उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, और उन्होंने गाया भी बहुत सुंदर। उन्होंने जो मतलब उनको डांस कर नाच रहे थे सब जन मिल के, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे भी जो मेघालय के सॉन्ग होते हैं हमेशा हॉलीवुड इंस्पायर ही दिखते हैं, और जो कंसेप्ट होता है हमेशा मेघालयन सॉन्ग्स का, चाहे गारो सॉन्ग हो खासी सॉन्ग्स हो, वो आपको हमेशा उसमें एक हॉलीवुड टच दिखेगा, और कंसेप्ट भी उसी तरीके से होता है, और ये सॉन्ग में उसी लेवल का था, इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ख़ासकर क्रिसमस के लिए है तो और भी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट बढ़ाता है क्रिसमस जल्दी आने वाला है तो गिफ्ट्स मिलने वाले सबको तो गाइस ये था सॉन्ग, कमाल की सिंगिंग थी, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा, कैमरा वर्क बहुत ब्यूटीफुल था, और सभी लोगों का काम बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय।